नमस्कार दोस्तों, बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने में। अब ऐसे में सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि आखिरी जोर लगा दिया जाए, दम लगा दिया जाए और कोशिश यही की जाए कि विरोधियों को कमतर दिखाया जाए और अपनी पार्टी को लोगों के बीच ये दिखाया जाए कि भाई हम ही हैं जो आपका कल्याण कर सकते हैं, बाकी दूसरी वाली पार्टी तो उसने कुछ नहीं किया। खासतौर से बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, वो ये लगातार बताने की कोशिश कर रही है कि भाई जंगल राज है वहां पर और ममता बनर्जी की सरकार ने पिछले अपने जितने भी कार्यकाल रहे हैं उसमें कुछ नहीं किया है, सब आप लोगों के लिए जो कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, इसलिए हमारी इस सरकार को सत्ता में लेकर आइए और उसके बाद देखिए क्या हो सकता है। तो भाई इसी सिलसिले में अमित शाह गृह मंत्री दौरा करने वाले हैं और जो परिवर्तन यात्रा चल रही है उसके पांचवें और अंतिम दौर की वो शुरुआत कर सकते हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में भी वो जा सकते हैं जहां परिवर्तन यात्रा के पांचवें और अंतिम चरण की वो शुरुआत करेंगे, जा सकते नहीं बल्कि जाएंगे। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, पास ही में ममता बनर्जी भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगी, तो पारा जो है ना आज पश्चिम बंगाल का बड़ा हाई रहने वाला है। बता दें आपको, अमित शाह इस दौरान एक शरणार्थी परिवार के यहां भी जाएंगे जहां पर वो भोजन भी करेंगे और खबर यही है कि एक कोशिश है मैसेज देने की बीजेपी की तरफ से कि उन लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई जाए, उन लोगों को अपने पाले में किया जाए जिनको भाजपा ने नागरिकता देने का वादा किया है। तो भाई शरणार्थी के परिवार में जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, एक मैसेज दिया जाएगा तो उसका हर शरणार्थी जितने भी परिवार वहां मौजूद हैं सब पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। एक अधिकारी ने बताया कि गृहमंत्री बृहस्पतिवार को सुबह कोलकाता के राजबिहारी एवेन्यू में भारत सेवाश्रम संघ जाएंगे और इसके बाद वो गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम का भी दौरा करेंगे। दोपहर को नामखाना से परिवर्तन यात्रा आरंभ करेंगे और फिर इसके बाद नारायणपुर गांव में शरणार्थी परिवार के साथ मध्याह्न भोजन करेंगे। वो नामखाना में एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे और गृहमंत्री शुक्रवार को कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में राज्य के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और शहर में एक मीडिया सम्मेलन में भी वो हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस ने जबरदस्त प्रचार मुहिम जो है वो शुरू की हुई है, लगातार उसका एक के बाद एक दौर चल रहा है। टीएमसी की प्रचार मुहिम का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं जबकि भाजपा के शीर्ष नेता इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत सारे नेता एक के बाद एक दौरा पश्चिम बंगाल का अलग अलग वक्त पर कर रहे हैं। वहीं खबर यह भी आ रही है कि भाई इधर से शाह गरजेंगे तो उधर से ममता बनर्जी भी गरजती हुई नजर आएंगी, बरसती हुई नजर आएंगी बीजेपी पर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थोड़ी ही दूरी पर अलग रैली को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के लिए पहली बार बनर्जी और शाह एक ही जिले में लगभग एक ही समय पर रैलियां करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई पारा बहुत हाई होने वाला है क्योंकि इधर से वार होगा, उधर से पलटवार होगा, उधर से वार होगा, इधर से पलटवार होगा। और आपको बता दें, बनर्जी और उनके भतीजे और पार्टी के स्थानीय सांसद अभिषेक बनर्जी गुरुवार को दक्षिण 24 परगना के पैलन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। दक्षिण 24 परगना टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि कल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दिन होगा, यानी कि कल उन्होंने ये कहा था आज के लिए। और फिर आगे कहा कि शाह और दीदी दोनों एक ही जिले में रैलियों को संबोधित करेंगे, मजा आएगा। और वाकई में यार दोनों जो नेता हैं बोलते शानदार हैं भाई, गृहमंत्री को आपने सुना ही होगा, उधर ममता बनर्जी भी एक के बाद एक सीधा सीधा वार कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर। और देखना दिलचस्प होगा कि आज जब दोनों नेता अलग अलग समय पर एक दूसरे को संबोधित करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, एक दूसरे पर वार पलटवार किस तरीके का होगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या कुछ उसमें नया होगा, कौन सा नया वार होगा, ये देखना हमें दिलचस्प होगा। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया।